यहाँ जो निकले हैं ये शिवलिंग, ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं भूमि से। यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्था है, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं बाबा के दर्शन करने। यहाँ पर माँ रुक्मणी गंगा स्नान करके, यहाँ पर क्या नाम है, अमंतका देवी पर रुक्मणी कुंड है उनके नाम से, हाँ, सुरंग से जाती थी और स्नान करके आके यहाँ भी पूजा करती थी। यहाँ इससे मंदिर पर भी आकर जो माँ रुक्मणी थी वो पूजा किया करती थी यहाँ पर। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं देवेंद्र कंकरपाल आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आहार का प्रसिद्ध शिव मंदिर, जहाँ पर सैकड़ों की मात्रा में, हजारों की मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों आपको बताऊँगा पूरा इस मंदिर का एड्रेस कहाँ पड़ता है, आप लोगों को कैसे आना है, ठीक है। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जहाँ पर जलाभिषेक होता है। देखिए मैं मंदिर के फिलहाल प्रांगण में हूँ, आगे हूँ, मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मंदिर का बाहरी गेट, और बने रहिए, मंदिर का एड्रेस भी आप लोगों को वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं फिर वीडियो में। ये आहार के शिव मंदिर का बाहरी गेट है, कुछ इस तरह से चमकता है, और ये मंदिर का जो एड्रेस है कुछ इस तरह से है, श्री अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर इसको जाना जाता है। आप जो गूगल करेंगे तो आप अच्छी तरह जान पाएंगे, और एड्रेस इस मंदिर में रहने वाले महंत जी से पूछेंगे। देखिए इस तरह से कुछ मंदिर चमकता है, अंदर करते ही एंट्री, और ये पूरा इस तरह से है, ऊपर से इधर पूरा बना रखा है, और हमने जो एंट्री की है इस मुख्य द्वार से की है, इधर धूना बनाया गया है, और इस तरह से ही यहाँ बनाया गया है। इधर भी है कोई ये मीटिंग रूम इस तरह से कुछ है, और एक मुख्य गेट ये सामने से भी, आप जब से रोड से आएंगे तो ये भी, और इसके बाद हम बिना किसी इंतज़ार के यहाँ दर्शन करेंगे बाबा जी के। देखिए सामने हैं, और ये आपकी सेवा में जो 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। देखिए मेन गेट से मैं आपको एंट्री करवाता हूँ, अंदर से जो मंदिर है कुछ इस तरह से चमकता है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, आप यहाँ से विजिट कीजिए। बहुत सारे यहाँ पर घंटी हैं, श्रद्धालुओं की ही देन है। देखिए और इस तरह से जय हो बाबा, एक विशाल शिवलिंग आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, और शेषनाग छत्रछाया में, और बहुत ही भव्य बहुत ही सुंदर मंदिर को बनाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और सामने माता की प्रतिमा है मंदिर के अंदर, इसमें पंखे अंदर लगे हुए हैं बाबा की हवा के लिए, और यहाँ पर जो विशाल ज्योति हमेशा अमर ज्योति जो जलती रहती है, और यहाँ गणेश जी की प्रतिमा है, इधर महादेव जी की प्रतिमा है। लेकिन आज मैं पहली बार फर्स्ट टाइम इतने बड़े आकार के शिवलिंग आज पहली बार देख रहे हैं, और ये ऐसी मान्यता है इस मंदिर की कि ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं। यहाँ जो निकले हैं ये शिवलिंग, ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं भूमि से। यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्था है, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं बाबा के दर्शन करने और अपने मन की मुरादें पाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मंदिर के महंत जी से, जो इस मंदिर के बारे में हम लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बाबा जी हमको ये बताइए कि ये स्थान पड़ता कहाँ पर, अगर लोग भारत के कोनों से, भारत से आना चाहते हैं तो कैसे आ पाएं, सुगम रास्ता क्या होगा इसका प्रॉपर एड्रेस? हाँ, ये उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर है जी, और आहार कस्बा है, अनूपशहर तहसील में रहे, तहसील अनूपशहर है जी जी जी, और वहीं पर अम्बकेश्वर मंदिर आहार, जहाँ पर कांवड़ चढ़ती हैं, भोले बाबा भी बोलते हैं, हाँ, इस तरह से नाम पुकारते हैं, और यहाँ पर 5626 वर्ष पूर्व पांडव की पूजा करते थे। अच्छा, हाँ, और ये कुंदनपुर जो शहर था, हाँ, वो आहार है आज, आहार ये कुंदनपुर शहर था, यहाँ की माँ रुक्मणी थी राजा भीष्म की, हाँ, और उनके भाई रुकम थे जी, और यहाँ पर माँ रुक्मणी गंगा स्नान करके, यहाँ पर क्या नाम है, अमंतका देवी पर रुक्मणी कुंड है उनके नाम से, हाँ, सुरंग से जाती थी और स्नान करके आके यहाँ भी पूजा करती थी। यहाँ इससे मंदिर पर भी आकर जो माँ रुक्मणी थी वो पूजा किया करती थी यहाँ पर। अच्छा, ये माँ रुक्मणी साक्षात यहाँ आकर जल अभिषेक किया करती थी, फिर आहार में बहुत बड़ा इनका वो था। अच्छा, वहाँ पर स्नानागार भी आज भी है, लेकिन वो अब से टूटा फूटा पड़ा हुआ है, अब से टूटे फूटे सब कुछ नीचे चला गया है, हाँ, और तालाब भी आज 12 बीघा में बना हुआ है, लेकिन वो भी सूखा पड़ा हुआ है, सब तहस नहस है, समय के साथ साथ सब सब कुछ बदल गया, 5.5-6 हज़ार वर्ष बहुत होती है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हमने एक विशेष और सुना था कि जैसे महाशिवरात्रि आती है
उस पर कि यहाँ भक्तों की इतनी लंबी कतार लगती है कि रात से शुरू हो जाते हैं और बहुत नंबर भी नहीं आ पाता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धा में जल अभिषेक करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ असुविधा भक्त लोग करते हैं। अच्छा उल्टा सीधा घुस जाते हैं। अच्छा अच्छा तो उसमें ही असुविधा होती है, वरना जल तो जलाभिषेक बड़े आराम से होता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा देखो छिनाक के किलो और कुंटल बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी ही कृपा है जलाभिषेक। ये अपना काम अपने आप स्वयं वो है, ये पाताल से निकली पिंडी है। हाँ। और किसी ने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान नहीं किया है। अच्छा अच्छा। हाँ। स्वयं अपना आप ही उत्पन्न हुए हैं यहाँ पर। ये उज्जैन का महाकाल का रूप है। अच्छा। जो फल उज्जैन में प्राप्त होता है वो अनुष्ठान करने से, रुद्राभिषेक करने से, वो जो साचार्यों ने यहाँ किया तो प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा। और 5626 वर्ष पूर्व पांडव आए थे, उन्होंने खिन्नी के वृक्ष भी बोए यहाँ पर। खिन्नी के वृक्ष, वो क्या होता है हम तो पहली बार सुन रहे हैं। किसमिस जैसी मेवा आती है उस पर। अच्छा अच्छा। और साल में एक दफे फल आता है। अच्छा। और उसकी पूजा भी करते हैं लोग, और भक्त लोग अपने घर को एक दो खिन्नी मिल जाती है। अब तो खैर नहीं लगती ज्यादा। क्या वो वृक्ष अभी है यहाँ पर? अच्छा, आप निकलेंगे सामने देखना खिन्नी के वृक्ष। फल कौन से महीने में आता है? फल जेठ में, जेठ के लास्ट में आता है। अच्छा, और कोई खास ऐसा मंदिर का चमत्कार जो आपके सामने हुआ या आपने जो चर्चा सुनी हो विशेष? अच्छा, यही है चमत्कार इनका कि बड़े बड़े दुखी लोग मेरे सामने यहाँ आए। अच्छा। इनका जो है जलाभिषेक किया। हाँ। जलाभिषेक किया और वो मनोमांचित फल का, और इससे ज्यादा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप अपनी श्रद्धा लेके आए हैं। हाँ। और फिर वो दोबारा आए। हाँ। पुजारी जी, महंत जी, ये हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अच्छा, ये बाबा की लीला है, इन्हीं की कृपा है, और इन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। और यहाँ मोहर सा है, वहाँ मोहर बना था कृष्ण भगवान का जी। उनकी पहली चर्चा नहीं थी, शिशुपाल से युद्ध हुआ। हाँ। तो हलधर जी आए, उन्होंने हल से पलट दिया। अच्छा। हार ए नहीं, हार मानी, दोबारा बस गया। अच्छा, इसीलिए इसका नाम आहार फट गया। हार दूसरा आहार। हाँ। इसका भक्षण हुआ, पलट दिया गया। अच्छा, दो नाम उसका। दोनों कहने का मतलब ये है, जितना भी ये क्षेत्र है बुलंद शहर का जो प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं कृष्ण जी के साक्षियों से साक्षात जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण की डायरेक्ट यहाँ पर महिमा है, लीला यहाँ पर खेल रहती हुई है। पहला नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से वहाँ तक जो है प्रभु की बड़ी कृपा है। और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, और डिस्ट्रिक्ट ये बनाए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महंत विक्रम। महंत विक्रम जी, जी। महंत, महंत विक्रम की। तो आप कितने कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? 400 वर्ष हो चुके हैं हमारे बुजुर्गों। बारहवीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ जो है सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, और जमीन है हमारे चारों तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। खेती भी करते हैं। अच्छा अच्छा, खेती भी करते हैं, और यहाँ मंदिर की सेवा देखभाल सब आप कर रहे हैं। हमारे कई भाई हैं। अच्छा, सब ने मुझको देख कर के। अच्छा, आप मंदिर का जो समय है खुलने का, दर्शन करने का, वो क्या है? सुबह 3 बजे खुल जाता है। अच्छा। 4 बजे तक हम सफाई करते हैं। हाँ। उसके बाद में आरती करते हैं 4 बजे। अच्छा। और प्रसाद बांटते हैं। अच्छा। उसके बाद में फिर खुला ही रहता है शाम को 8 बजे। अच्छा, शाम को 8 बजे तक। ये जंगल है। हाँ। यहाँ पर पब्लिक बहुत कम आती है। हाँ। ये जंगल है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे रीति रिवाज शहरों में है 8 बजे बंद कर लेंगे या सुबह 6 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। मतलब जिस समय भी श्रद्धालु आएंगे उस समय दर्शन आपको हो जाएंगे। श्रद्धालु अभी आ गए, रात को 8 बजे हमने शयन किया। हाँ। हम बैठे यहाँ पर जी, बाबा दर्शन खुल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 9 बजे था। हाँ। उसके बाद भी करा देते हैं। हाँ, जब... लेकिन जब ज्यादा टाइम होता है फिर बोलते मुझे आराम करो उस समय ब्रह्मा। अच्छा, तो आराम करने हैं तो यहाँ कोई स्थान है? गद्दे हैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। बाहर कमरे हैं, तो श्रद्धालुओं के कमरे की भी यहाँ पर विशेष सुविधा है। विशेष सुविधा है, चारों तरफ से धर्मशाला में कमरे बना रखे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये सब बताने यहाँ का इतिहास लिखा है, अपने ऊपर नहीं लिया है। अच्छा, सब दूसराचार्यों ने कहा है। हाँ। बुजुर्गों ने कहा है, वो सब कुछ मैंने आपने यहाँ के बारे में लिखा है। चलिए, जरूर। मैंने नहीं लिखा है, जैसे मैंने सुना है। अच्छा, जैसे सुना है बुजुर्गों से और दूसराचार्यों। चलो, जरूर एडिट करेंगे अपनी वीडियो में।